सचिन आजा स्क्वाड में, रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, एक्सेप्ट कर। ठीक है भाई, प्रो को भी बुला लेता हूँ, आजा पबजी में। यार हम तीन हैं, एक रैंडम आएगा। कोई बात नहीं, आने दे भाई। एरेंगल लगा, मिलिट्री बेस चलेंगे। अरे नंबर टू कोचिंग की चला गया, उठो लूट करो, कोई दिखे तो बताना। सारा दिन पबजी खेलता रहता है, जा उठ के मार्केट जा। मम्मी परेशान मत करो यार। क्या यार मम्मी, बस यहाँ से वहाँ भेजते रहते हो, कभी ये ला दे कभी वो ला दे। यहाँ से एक मिनट भी हटा तो AWM से मेरा हेडशॉट हो जाएगा और चिकन डिनर कोई और ले जाएगा। एक काम कर, तू पबजी ही खेलता रहे, तो पबजी में डिनर कर ले, आज खाना नहीं बनेगा। अरे आजा आजा रिवाइव कर दे यार। ए सचिन लप्पू से शकल के कौन है ये सचिन अपने स्क्वाड में, आके रिवाइव कर दे यार मुझे। अबे चूचे नूब, खेलना नहीं आता, कोचिंग की में घुस गया। नहीं देंगे रिवाइव, तू क्यों कोचिंग में अकेले उतर गया, मर जाके कोई अभी रिवाइव नहीं देगा। अरे साला सब आ गए मेरे घर पे, अरे चारों घुस गए मेरे घर पे, अरे मार डाला रे मुझे। अरे कभी अननोन के साथ नहीं खेलूंगा रे, अपने स्क्वाड के साथ ही मैं खेलूंगा। नंबर वन तुझे मेरा बदला लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे नूब समझूंगा। अरे नंबर थ्री नंबर फोर निकालो गाड़ी, चलो कोचिंग की, नंबर टू का बदला लेना है। ठीक है भाई निकालता हूँ गाड़ी अभी। अरे नंबर वन तेरे सामने स्क्वाड है, मार उसको। ये नंबर थ्री क्या कर रहा है, रुको देखता हूँ। अरे नंबर थ्री क्या कर रहा है, फिर से पबजी खेल रहा है, कहाँ है मेरा बंदा। तेरे पीछे बंदा है, मार उसे, आज नहीं छोड़ूंगा इसे। अरे नंबर फोर चोमू क्या कर रहा है, कान 98 पकड़ के क्या कर रहा है यार तू, कान 98 लेके बैठा हुआ है, लप्पू सा बंदा है अपने टीम में ये तो। मार हेडशॉट, मार हेडशॉट तो मैं तुझे मारूंगा तुमका। अरे नंबर थ्री सामने एनिमी है, उसको हेडशॉट मार, मुझे क्यों हेडशॉट मार रहा है। दिन भर सिर्फ पबजी खेलता रहता है, तू पागल हो जाएगा नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। बाबा पबजी खेलने वाले पागल थोड़ी होते हैं, बस उनका नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है इसलिए वो आगे पीछे होते रहते हैं। क्या बोला, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता हूँ कोई अच्छा नेट लगा दे, लेकिन नहीं कोई मेरी सुनता ही नहीं है। क्या आपको न्यूज देखने से फुर्सत ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए कितनी प्रॉब्लम होती है पबजी खेलने में। तुम क्या, लेकिन नहीं आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब भी बताता हूँ तुझे, पता नहीं कैसे पापा है आप, सुनते ही नहीं है मेरी। साले बाप को सिखाता है क्या करना है, अब भी तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा, फिर देखता हूँ तू कैसे खेलता है पबजी। पापा जी मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो आपको इमोशनल कर रहा था ताकि आप अच्छा सा नेट लगा दो। पापा जी मानना मत, नंबर टू मैंने तेरा बदला ले लिया, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी धुलाई हो रही है। खाना नहीं खाएगा आज तुम्हें, फिर तुम और तुम्हारे पापा क्या खाते हैं। यार मम्मी परेशान मत करो यार, यहाँ पबजी में सब कुछ मिल जाता है, खाने के लिए पेन किलर और पीने के लिए एनर्जी ड्रिंक मिलता है, और जीतने पर चिकन डिनर भी मिलता है। यहाँ पबजी में तू चिकन खा रहे, यानी कि जब से तू पबजी खेल रहे तब से तू चिकन खा रहे, और यहाँ पे इसीलिए सब चिल्लाने के लिए नहीं जाता है। आए थोड़ा अंडा। यार मम्मी मैं तो अंडा भी नहीं खाता हूँ, चिकन कहाँ से खाऊंगा, पबजी में जीतने पर बस चिकन डिनर गिफ्ट में मिल जाता है। यहाँ पूजा पाठ कर रहे हो, यहाँ तो पबजी में चिकन खा रहे, चुप जा हमें बता। यार मम्मी, नहीं मम्मी।